इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज की खसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करते हैं दूसरे मजहब के एहतराम के ताल्लुक से। आए दिन हम देख रहे हैं कि दूसरे मजहब का एहतराम कम होता जा रहा है, जो कि देश और दुनिया के अमन सुकून के लिए ठीक नहीं है। हमारे देश भारत में एक दूसरे मजहब की इज्जत और एहतराम का बहुत पास व लिहाज रखा जाता था। एक दूसरे की खुशियां और त्योहारों में शामिल होना देश की तहजीब व संस्कृति थी। कोई भी घरेलू हो या कारोबारी मशवरा एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत के साथ लिया जाता था। लेकिन पता नहीं देश को किसकी नज़र लग गई कि कौमी यकजहती और मजहबों के माबैन मोहब्बत का वो माहौल नहीं रहा जिस शांति और प्यार वाले माहौल को हमारे बुजुर्गों ने परवान चढ़ाया था। आए दिन हम देख रहे हैं कि कुछ सियासी नेता और कुछ फिरका परस्त लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए नफरत का माहौल पैदा करने में लगे हुए हैं। इन नफरत के सौदागरों ने हद तो ये कर दी कि मजहब और मजहब के बड़ों का, जिनकी अकीदत मानने वालों के नजदीक बहुत अहम होती है और इनकी मोहब्बत और एहतराम के लिए अकीदतमंद अपनी जान तक निशावर कर सकते हैं, ये नफरत के सौदागर मजहब और मजहब के बड़ों की तौहीन में लगे हुए हैं। हालांकि देखा जाए तो ये दूसरे मजहब की तौहीन करने वाले रद्द अमल में खुद अपने ही मजहब की तौहीन का सबब बनते हैं। अल्लाह ताला सूरह इनाम में फरमाता है कि दूसरे मजहब के माबूदों को महबूदों के ताल्लुक से दिल खराश और दिल को तकलीफ देने वाली बातें मत करो, ताकि अनजाने में आपके माबूद यानी अल्लाह को बुरा भला न कहे। आमतौर पर देश और दुनिया में ये देखा जा रहा है कि सिर्फ मजहब इस्लाम ही इन नफरत के सौदागरों के लिए टारगेट बना हुआ है। हालांकि सब जानते हैं कि मजहब इस्लाम अमन व शांति का मजहब है। अगर मजहब इस्लाम में रत्ती भर भी खराबी होती तो इस्लाम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन न कहलाता। यकीन न आए तो गूगल करके देख सकते हैं। मजहब इस्लाम तो दुनिया के लिए रहमत है और आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार की उस वक्त के दुश्मनाने इस्लाम भी गवाही दिया करते थे। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई मुसलमान से उसका पड़ोसी परेशान है तो मुसलमान हो ही नहीं सकता, चाहे उसका पड़ोसी गैर मुसलमान क्यों ना हो। यह है इस्लाम की तालीम, यह है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीख। आए दिन हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि फिरका परस्त लोग प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छवि बिगाड़ने में लगे हुए हैं, जो कि तमाम दुनिया और इंसानियत के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए हुए हैं। ये लोग उस अजीम हस्ती को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको एक ईसाई बुक राइटर माइकल एच हार्ट ने अपनी किताब 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी ऑफ हिस्ट्री में पहला मुकाम और पोजिशन दिया हुआ है। इन फिरका परस्तों और नफरत के सौदागरों को चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हों, कि नफरत की बातों को छोड़ें और अपनी मजहब की अच्छाइयों पर चलें, क्योंकि दूसरे मजहब की तौहीन सिर्फ नफरत और अशांति फैलाती है। दूसरे मजहब की तौहीन करने वाले की घटिया सोच ही दिखाती है, जिसकी वजह से इसका खुद का मजहब भी बदनाम होता है। देश के संविधान ने अपने मजहब की अच्छाइयां प्रचार करने का प्रावधान दिया है, वो करें। क्यों खामखा दूसरों पे छींटे उछालकर देश और देश की अमन और शांति को बिगाड़ने का काम कर रहे हो। हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे दूसरे मजहब के ताल्लुक से गलत बयानबाजी करने वालों पर नकेल कसे, ताकि देश में अमन और शांति बरकरार रहे और देश की संस्कृति बाकी रखने के लिए यही अच्छा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कनाडा के एक इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं
उस देश का प्रतिनिधि हूं जिसने दूसरे मजहब की सच्चाइयों को अपनाया है। स्वामी विवेकानंद जी की ये कहीं भी बात देश की संस्कृति को दर्शाती है और कुछ गलत लोगों की वजह से देश की संस्कृति और अमन शांति भी खतरे में है। आवाम को भी चाहिए कि ऐसे नफरत के सौदागरों को एक्सपोज और बायकॉट करें। इतिहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।